सकते हैं, जीत सकते हैं भाई, जीत सकते हैं, जीत सकते हैं भाई, मुझे नहीं पता कैसे जीत गए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैक्सिको सिटी एंड वेलकम टू पीएस कपल गेमिंग। हाय, मैं हूं साहिब और आज मैं लेकर आया हूं वापस आपके लिए एक होराइजन का बढ़िया तड़कता भड़कता नया एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था, स्ट्रीट रेस को अनलॉक किया था और एक दो स्ट्रीट रेस करी थी, और करते हैं हम अपने आगे की रेसिंग शुरू और करते हैं आगे के एडवेंचर को अनलॉक। तो फटाफट से करते हैं, पहले तो थोड़ा सा गाड़ी चला लेते हैं, बड़े दिनों बाद चला रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है वापस आके मैक्सिको सिटी में। और अब देखते हैं जरा मैप में कि भाई क्या चल रहा है और कहाँ जाना है और क्या रेस करनी है क्या नहीं। तो ये है मैप, तो हम हैं यहाँ अपने घर पे, एक ही घर है हमारे पास अभी। और उसके अलावा चूज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर होराइजन एडवेंचर कैनियन एक्सपेडिशन। ओके, तो ये वो शायद नया एडवेंचर था जो लास्ट टाइम अनलॉक हुआ था। तो फटाफट से बड़े बड़ी दूर जाना है बाबा रे, तो ये चलते हैं यहाँ पर और फटाफट देखते हैं कि क्या नई चीज़ अनलॉक हुई है। तो भाई 8 miles दूर जाना है, डेस्टिनेशन उधर है। तो हमेशा की तरह मिलते हैं लोकेशन पे, तो आ गए हैं अपनी ऑलमोस्ट लोकेशन पे, पहुँचने ही वाले हैं। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, बढ़िया। देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई तो इवेंट है। और आ गए हैं, बड़ी दूर था रास्ता, और फटाफट से करते हैं इवेंट स्टार्ट। बिल्कुल सोलो ही करना है, हम सोलो ही खेल रहे हैं। So, I'm here. Where are you? Running late. Sorry. Things are a little wild with the Fiesta de la Luna coming up. Wait. What's the Fiesta de la Luna? It's a full moon tonight, my friend. Horizon's throwing an all-night fiesta at the resort. I thought you and I could attend. Well, I do like a good party. You and the rest of Mexico. Nos vemos pronto. तो हम लोग जा रहे हैं शायद फ्योस्ता दे लूला, दे ला लूना। गाड़ी बढ़िया लग रही है। ओहो, एक और, ये बेसिकली एक नया इवेंट है। बिल्कुल, जस्ट फॉलो द प्लेन, वही तो करने आए हम इसे। ओ ये क्या मुड़ गई, ओए बच गए, बट ऐसे मज़ा नहीं आता है। तो वैसे मेरा फेवरेट एंगल है लेकिन दिखता नहीं है फिर ऐसे। और इवेंट शायद दिख रहा है, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, बढ़िया। वाह, लोग क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ गए जी। फिएस्टा दे लूना, मैं 3-4 बार प्रैक्टिस करूंगा तो बोलना तो सीख ही जाऊंगा। टुमारो मॉर्निंग वी हेड वेस्ट टू द कैनियंस टू फाइंड द स्टंट आउटपोस्ट, बट टुनाइट फिएस्टा दे लूना। ये ये चलानी हमें। वेलकम टू फिएस्टा दे लूना। ओ बोल लिया भाई, धीरे धीरे चलाते हैं, जल्दी नहीं है कोई। कुछ टेक्निक्स हैं, ड्राइव थ्रू द परेड। ओ भाई पहुंच गए भाई, पटाखे शटाखे फूट रहे हैं। अरे तो मुंडे के लिए बोल रहा है।
Drive into the cannons. Okay. Party's not over yet. Let's push this float to its limits. I've gone and set up some PR stuff. ठीक है, यही रह गया था हमें बस. Head for the canyons. Our outpost awaits. Yes, speed trap. This float can move. Radio Eterna, what a night. But for some, एक तो रोड इतनी छोटी है, एक छोटी सी मिस्टेक्स और हम गए. कुछ गिरा, हमारा रिमोट गिर गया. She remembers me. Did you hear that? Air crew standing by. Everything is ready for your canyon jump. Canyon jump. You can't drive something like this at Horizon and not test it out on a danger site. Oi! ज्यादा स्पीड में नहीं चलाना इसको, और इतना स्लो भी नहीं चलाना है इसका. देखिए एक बारी डैशबोर्ड कैसा है. अच्छा, इसका डैशबोर्ड ही नहीं है. मुझे लगा कुछ बढ़िया होगा डैशबोर्ड. बिल्कुल प्लेन घुमा के ले आया. हम पहुंच रहे हैं हौले हौले. ओ भाई, ओ भाई, ओ हो, सीरियसली अच्छा आइडिया था ये. और हमें फिएस्टा दलूना आवे. तो ये है होराइजन रश. तो इसको हमने लास्ट गेम में अनलॉक किया था और उसके बाद हमने ये खेला नहीं था. और अब हम स्टंट्स भी मार सकते हैं, तो हमारे स्टंट्स वाले मिशन भी अनलॉक हो जाएंगे. कोई भी कर लेंगे पहले. अच्छा, ये है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से यही है, नहीं तो ड्रिफ्ट जोन है. अच्छा, ये रहा एक पास वाली करेंगे. तो ये तो पीछे ही है, इसमें मैं जंप कैसे मारूंगा? Hey Speedy, Horizon Rush is fully operational. PR stunts are great for the festival. As long as you keep driving so stylishly, can you do that? Okay, बिल्कुल कर सकते हैं. हमें बहुत दूर से आना पड़ेगा, और ये कर लेंगे. मेरे ख्याल से और दूर से आते हैं. और अब शायद एक अच्छा स्टंट हो पाए. वैसे स्पीड इतनी खास नहीं हमारे पास, लेकिन ट्राई मारने में क्या जाता है. क्या हो पाएगा. और ये जंप हुई, और हमने काफी अच्छी जंप मार दी है. हाँ जी, नहीं हो पाया. रिवाइंड, छोड़ो यार, नहीं हो पाया. बहुत ही खराब थी. कोई बात नहीं. ये सामने कुछ आ रहा है, वो कर लेते हैं. अब इतनी ऊपर कोई दोबारा नहीं जाने वाला यार. मैं तो नहीं जाने वाला इतनी दूर ऊपर. और ये शायद स्ट्रीट रेसिंग है,
आगे निकल गए हमेशा की तरह। रिकमेंडेड कार में बहुत सारी आ रही हैं, बट हमारी तो फेवरेट एक ही है, हमारी कोविड कूपे, तो यही लेते हैं। और अपना बहुत जल्दी गाड़ी ख़रीद लेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गया, अभी तक हमने कुछ ना ख़रीदा है ना अपनी गाड़ी को अपग्रेड किया है, और सिर्फ ऐसे ही जीत रहे हैं। थोड़ा सा शो ऑफ। और ये है हमारी स्ट्रीट रेस कैनन रन। अच्छा, यू आर विनिंग इजिली, तो नाउ इट्स टाइम टू इंक्रीज द चैलेंज। ओके, क्यों नहीं। भाई तो हम आसानी से जीत रहे थे, इसलिए अब हमारी थोड़ी सेटिंग्स को इम्प्रूव किया गया है, और अब थोड़ी और दमदार रेस होने वाली है। तो 1 2 3 स्टार्ट, क्योंकि इसमें होता नहीं है। अरे कोई F1 वाली गाड़ी भी लाया भाई। और 5th पोजीशन पे आते हुए बहुत ही बढ़िया, और इसमें ट्रैफिक भी है तो ट्रैफिक से भी बचना है हमें। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्मूथ ड्रिफ्ट, कोई फायदा नहीं। सिक्स पोजीशन पे पीछे एक और है, एक गलती और बिल्कुल पीछे निकल जाएंगे। अरे बोला था मैंने, एक गलती और पटरी के बाहर पहुंच गए, और हमारे पास वो है जो इन लोगों के पास नहीं है, रिवाइंड। हम फिर भी पटरी के बाहर निकल गए, बट इस बार हम रिवाइंड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे पीछे भाई, पीछे बिल्कुल सटा के चल रही है भाई गाड़ियाँ। मुझे लग रहा है अपना फेवरेट एंगल यूज़ करना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। मैंने क्या सेटिंग्स चेंज कर दिए क्या? वे रुक जा। भाई अपना आओ भाई, अपने उस पे। हाँ भाई, बहुत लोग आगे निकल गए, और एक तो ये रात का सनसेट वाला टाइम है। सामने गाड़ी आ रही है, मेरे को पता था गाड़ी आ रही है, बट हम काफ़ी पीछे रह गए यार, काफ़ी पीछे, एक गाड़ी हमसे पीछे। हम लोग 9th पोजीशन पे आ गए। मेरे ख्याल से लेट नहीं होगी वो। 50% तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है। अरे यार नहीं यार, बहुत मेरे को लग रहा है देर कर दी आते आते। बहुत आगे निकल गया यार वो लोग, मेरे को नहीं लगता, अब शायद चांसेस कम हैं, बट होप नहीं छोड़नी चाहिए, और होप नहीं छोड़ेंगे, और एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जैसे बचपन में बोला जाता था कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अरे यार कोई बात नहीं, हम ये दोबारा करेंगे। अरे चेक पॉइंट और मिस हो गया भाई, इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है हमारे लिए।
हट जाओ, जीतना है हमें बट कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल हार गए और एंड तक आते आते तो 8th पोजीशन पे आए हम। बट यह रेस हम दोबारा करेंगे ये रेस, कोई बात नहीं। वो स्टार्टिंग में जो 2-3 कर्व पड़े ना हमें, वो हमें थोड़े भारी पड़ गए बट कोई बात नहीं, ये रेस दोबारा करते हैं और इस बार गलती नहीं करेंगे। जहाँ भी डाउट होगा फटाफट से अपना फेवरेट वाला कैमरा एंगल यूज़ करने लगेंगे। ये है हमारा एक नया अटेम्प्ट इसको कंप्लीट करने का और पिछली बार तो हम बहुत ही बुरा खेले थे और इस बार ट्राई करेंगे कि पहले से बेटर खेलें और एटलीस्ट 3rd तो आए। और ये भाई पीछे ही पड़ा हुआ है, और इस बार स्टार्टिंग से ही मिस्टेक। भाई मुझे लगता है ये शायद कंट्रोलर में ज़्यादा इजी होगा खेलना गेम, स्टेयरिंग व्हील से थोड़ा टफ तो है। और ये मैं कोई बहाने नहीं मार रहा हूँ, अरे यार यहाँ बहुत मिस्टेक होती है, लास्ट टाइम भी मैं यहीं पर ही वो हुआ था बट इस बार कम से कम 12th पोजीशन पे तो नहीं चल रहा हूँ। हट जाओ, 3rd तो आना है इस बार। और मैं भूल गया था कि मेरे स्टीयरिंग से भी ब्रेक लग जाती हैं। कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को। और 7th पोजीशन पे अभी भी 50% रेस हो चुकी है कंप्लीट। ये वो टर्न है जो हमें बहुत दुखी कर रहा है बहुत देर से। और इस टर्न पे हम लोग 8th पोजीशन पे हैं तो पहले से तो बेटर ही है, नहीं तो अभी तक तो 12th चल रहे थे और 1st वाला काफी आगे है। अरे यार इसको मारने के चक्कर में यार ब्रेक ही नहीं लगे यार, शिट यार। अभी भी 8th पोजीशन पे है, 70% रेस हो गए कंप्लीट, 1st-2nd बहुत आ गए हैं तो मेरे ख्याल से वो आना तो इम्पॉसिबल होगा। क्या 3rd आने के चांसेस हैं देखते हैं, बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। वैसे 80% रेस हो गई है कंप्लीट, अब तो सीधा सीधा रास्ता है, हट जाओ सामने से। 5th पोजीशन पे आते हुए बहुत ही जल्दी 6th पे आ गए हैं, 90% रेस हो गई है कंप्लीट और 3rd, 4th, 5th बहुत ही आगे हैं और ठोकर लगी और हमारे पास है रिवाइंड। इस बार वो गलती नहीं करेंगे और बहुत ही बढ़िया 4th पोजीशन पे आते हुए 5th, 3rd पे आते हुए 3rd के आने के चांसेस है, बूस्ट हो सकता था 3rd पे आने के, बहुत क्लोज चांसेस है, जीतने के भी चांसेस है 3rd पे आते हुए शायद। क्या हुआ नहीं यार 3rd तो नहीं आ पाए भाई, 4th है बट क्लोज था ये काफी। क्या हमें से एक और ट्राई देना चाहिए? वैसे ये मेरा 4th अटेम्प्ट था इस रेस का और ये मेरे ख्याल से हमने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया इसलिए ऐसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से देखते हैं अभी कि हम हैं कहाँ पर। अगर आसपास कोई और रेस होती है तो पहले वो करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ वापस आते हैं। हम भी हो सकते थे वहाँ पर डांस करते हुए बट कोई बात नहीं।
लेवल तो बढ़ गया, एक व्हील ऑफ स्पिन भी मिलेगा हमें फ्री में। ओके, तो हमें नई ऑडी स्पोर्ट बैग, RS7 स्पोर्ट बैग 2013 मॉडल मिली है। तो डीजल हुई तो एक साल तो और चल जाएगी। बहुत ही बकवास जोक, हमारी बकवास रेसिंग की तरह। हम हैं कहाँ? व्हील स्पिन, व्हील स्पिन। हम लोग हैं, अरे मैप क्यों नहीं ओपन हो रहा? हम लोग कहाँ हैं? अच्छा, हम लोग यहाँ हैं, यहाँ ये हमारा घर है। और अभी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास हम सिर्फ 600 करोड़ CR पीछे हैं, नहीं तो घर खरीद लेते कसम से। और ये एक और रेस है, पासवीं है। ये क्या है? अच्छा, ड्रिफ्ट जोन है भाई। मेरे से आज तक कभी ड्रिफ्ट नहीं हुई, मतलब मैं ड्रिफ्ट तो बहुत ही बुरा हूँ। खैर, आज तो रेसिंग भी कोई इतनी खास नहीं कर पा रहे हैं। वो हमने जो 100 CR का जो ट्रक खरीदा था ना, वो बहुत भारी पड़ गया, नहीं तो एक गाड़ी और ले लेते। बट कोई बात नहीं भाई, रेस करते करते रात से सुबह हो गई, लेकिन जीत नहीं पाया अभी तक। और ये है कोई सर्किट रेस, रोड रेसिंग है ये। फटाफट से करते हैं ये इवेंट। तो ये है होराइजन एपेक्स। तो होराइजन एपेक्स है भाई, हम अपनी फेवरेट कार ही लेंगे। रिकमेंडेड पे भी यही आ रही है। और अब हो गया थोड़ा सा शो ऑफ, बिल्कुल, क्योंकि इवेंट है तो हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, शो ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस नया इवेंट ये है होराइजन एपेक्स, शाम की शानदार रेस, अपना फेवरेट कैमरा एंगल, हमारी फेवरेट कार। ये है लैप रेस, तो तीन लैप हैं। और ये है बढ़िया क्रू, क्या बोलते हैं, सर्किट रेस, तो इसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं आने वाला, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार गलती नहीं करनी है, आज अभी तक एक भी रेस नहीं जीते हम लोग। बहुत ही क्लोज था, लेकिन फोर्थ है, इसलिए हमने इस बार पहले से ही अपना फेवरेट एंगल रखा हुआ है। और इधर भी बटन है, उससे ब्रेक लगते हैं, तो मैं उसी से ही, उससे प्लस पैरों में जो ब्रेक हैं वो दोनों एक साथ दबाता हूँ, ताकि एकदम से रुक जाए ये। इससे हैंडलिंग भी सही रहती है। और ये है मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। इस बार जैसे मैंने नहीं दबाया था पैर वाला, तो गाड़ी ड्रिफ्ट मार दिया। और हम लोग हैं 6th पोजीशन पे, और लैप ऑलमोस्ट होने वाला है ख़त्म। वो लैप ख़त्म हो चुका है भाई, कब का, मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी ही बातों में खो गया था। ये नहीं करना चाहिए, इससे ना बहुत ख़राब होता है, वो जो गैप है ना हम लोगों के बीच में, वो बढ़ जाता है। साला, Thank you.
क्या रे यार, ये बहुत ही ख़राब था हमारा जो ब्रेक हमने मारा ना। पता लग जाता है जैसे ही पीछे वाला आ जाए ना एकदम कूद के आगे। अभी ये जैसे ये भी बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। क्या खेल रहे हैं आज हम, इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल ठीक था, पास आ गए, सिक्स पोजीशन पे हैं आराम से। अभी भी सेकंड लैप, ओ क्या सही कट पीछे वाले को मारते हुए, और ये बढ़िया शानदार चौथी पोजीशन पे आते हुए तीसरे लैप में हम एंटर कर चुके हैं। अभी सिर्फ तीन लोग ही आगे हैं, तो तीसरे को तो हम ठोकर मार के फटाफट हट जा भाई। मैंने ब्रेक मारा इसलिए वो आगे निकल गया। ओए यार, ये तो मैंने अपना सेटअप ऐसा करा हुआ, मेरा हाथ ही नहीं मुड़ता, माइक पे लग जाएगा नहीं तो। बट कोई बात नहीं, बहाने नहीं, थर्ड तो आना ही है इसमें, थर्ड तो आके ही रहेंगे। और अब कोशिश है सेकंड आने की, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे टारगेट। ओ बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत कसी कट मारा हमने। और अब तो फर्स्ट आने की भी चांस है भाई। ओ यार नहीं यार, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ज्यादा पीछे हो गए। अरे यार चीटिंग, साले ने आगे जगह ही नहीं दी। अरे यार ये तो एंड मोमेंट पे जो हमने हगा है ना बिल्कुल ही। बट उसने भी चीटिंग करी, हमें जगह नहीं दी। अबे यार दे जगह, ओ दे देता जगह थोड़ी सी तो जीत जाते। बट सेकंड ये टफ हो गया भाई, जब से हमने अपनी डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करी है, मतलब बढ़ाई है, तब से हम को काफ़ी टफ कंपटीशन मिलने लगा है। हम लोग खेल रहे हैं अब हार्ड पे, और अब छोटी छोटी गलतियां भी नज़र में आती हैं, जैसे कैसे टर्न लेना है कैसे नहीं। मुझे लग रहा है मैं कुछ दिनों बाद मिलूंगा बुद्धा सर्किट पे रेस करता हुआ, और रेस तो कंप्लीट कर दी हमने वैसे। हाँ कर दिया भाई, कर दिया हमने। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, होम स्वीट होम, वो तो ठीक है, बैक ओके। तो ये है हमारी एक और बढ़िया रेस जो हमने करी कंप्लीट। ये घर है जो अभी है हमारी ऑक्स से काफ़ी ज़्यादा बाहर। कोई आसपास और कोई रेस नहीं है, ये कहाँ है, दूर है बहुत। हम लोग हैं यहाँ, ये भी कर ली हमने, इधर काफ़ी सारे इवेंट चल रहे हैं, और इधर तो हमारा स्टोरी मोड भी चल रहा है भाई, होराइजन स्ट्रीट सीन है ये। तो ये हम करेंगे बाद में, अब एक करते हैं एक और फटाफट से। ये क्या दब गया, ये ठीक लग रहा है पास में, ये भी सर्किट रेस है वैसे तो। और ये क्या है, ओ भाई ये कोई बहुत दूर की रेस लग रही है, यही करते हैं। उससे क्या होता है,
200 yards, turn right. क्या ये वही रेस तो नहीं है जो हम अभी करके चुके थे और जो हमसे नहीं हो पा रही थी? मे भी ये शायद वही है। अपना बेस्ट लेंगे इसमें, ट्रक ले लेते हैं, बेस्ट है हमारा। वे हमारी गाड़ी क्यों नहीं आ रही? अच्छा आ तो रही है। मेरे ख्याल से ये वही है जो जिसमें हम पहले फोर्थ आए थे, वो भी हमारे सेकंड अटेम्प्ट में शायद। स्ट्रीट रेस, कोस्ट रन, और ये है। नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये कोई नई रेस है। बट चलो, नई रेस, नई शाम। सिक्स पोजीशन पे हम लोग अभी। ये बहुत ही क्यूट कार चल रही है, क्यूट कार के चक्कर में रेस से बाहर हो गए हम लोग। बाहर कर दो इसे। थैंक यू, दोनों ने इतने अच्छे से संभाला मेरे को, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। ओए भाई, दिख नहीं रहा क्या? रेस चल रही है, हम लोग हैं फोर्थ पोजीशन पे। भाई उनके पास क्या सुपर कार है क्या? दिख ही नहीं रहे वो लोग तो। और आ गए हैं वापस बढ़िया शानदार तरीके से तीसरे पोजीशन पे। कैमरा एंगल करते हैं चेंज, अपने को रिस्क नहीं मानता है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन हमारा कोई खास नहीं गया है रेसिंग में। एक में सेकंड आए हैं और एक में फोर्थ आए हैं, वो भी हमारे कुछ पांचवे या छठे अटेम्प्ट में। और दे दिया भाई गाड़ी अंदर। ओ यार, मुझे लगा था कि शायद मार के हम लोग सीधे हो जाएं और हम लोग निकल लें, बट ऐसा हुआ नहीं। ये तुक्के हर बार नहीं चलते। परसेंट रेस हो गई है कंप्लीट, गलती नहीं करनी है अब एक भी। देखा, और बढ़िया, इस बार तो हमने वो कर दिया जो हम करना चाह रहे थे। सेकंड वाला बिल्कुल चोच से चोच मिलाकर चलाने की कोशिश, पीछे टरकाया, और अब सीधी सीधी रेस है। फर्स्ट पे आने के पूरे चांसेस हैं, अगर कोई गलती नहीं करे तो सुम्मो में दे मारी। फिर दे मारी, रिवाइंड भी पीछे हो गया भाई, के तू ढंग से कर ले पहले। अरे यार भाई, अगर मैं ये हारा ना तो ये सुम्मो की वजह से हारूंगा मैं। और अपने खेतों में घुसाने की वजह से भी। और मैं फिर से वही बहाना मारूंगा कि देखो इसमें टफ तो है खेलना। और जीत सकते हैं। भाई जीत सकते हैं। भाई मुझे नहीं पता कैसे जीत गए। ओ ये क्या हुआ? ये तो कुछ अलग ही ट्रेजेडी होगी हमारे साथ।
मैं फर्स्ट पे था, मैंने 12वें पे फिनिश किया, मुझे भी नहीं पता कैसे। वो तो अब मैं छोड़ो, मैं क्या बोलूं, बट इसे दोबारा अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट है इस रेस का। पहले अटेम्प्ट में हमारे साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, हम फर्स्ट आए थे और हम लोग एकदम से वापस चले गए और हम फिर सिर्फ खड़े रहे और देखते रहे और सब हमसे आगे निकल गए और हम फर्स्ट से 12th पे आ गए। आज मैं इसी पे ही खेलूँगा, आज मैं और कोई कैमरा एंगल यूज़ ही नहीं करूँगा। अरे दिखा ही नहीं, यार ये इसके 8वें के चक्कर में ठोकर मार दिया साले ने, फरारी वाले ने, फरारी का ही लोग है शायद। नाइन्थ पोजीशन पे हम लोग, वाओ। ट रेस हो गई है कंप्लीट, हैं हम 9th पोजीशन पे, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है और हमने फिर से चेक पॉइंट मिस कर दिया क्योंकि ये रेस तो हम अच्छी खासी जीत गए थे यार, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये तो ज़बरदस्ती के लैग के चक्कर में हमें वापस कंप्लीट करनी पड़ रही है। तो ये वही सुमो है जिससे मैं इतनी बार टकराया था और वो जो सीन के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन पूरा, अब मैं बातें कम रेस ज्यादा। और एक तेरी भैंस क्या, यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नाइन्थ पोजीशन पे आ गए हैं, फर्स्ट वाला तो बहुत ही आ गया है। 43 रेस परसेंट हो गई है रेस कंप्लीट। टेंथ पोजीशन पे आ गए हम लोग, शर्म आनी चाहिए हमें। ओ ये तो भाई, ये भाई सुम्मो ही तब से सबका कांड कर रही जा रही है। बिल्कुल चेक पॉइंट में इस, प्लीज इस बार जीतने दो प्लीज। भाई 66% हो गई है रेस कंप्लीट, जल्दी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट के जो 80 से 90 100 कंफर्म वाले होते हैं ना, ये पता नहीं कहाँ जाते हैं। और चेक पॉइंट फिर मिस, और ये वो जगह है जहाँ हमने एकदम से बढ़त बना ली थी पिछले लैप, पिछले पार्ट में। वो मैं आप ज़रूर देखना, मैं कट नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरी गलती नहीं थी, मैं जीत रहा था। हट जाओ प्लीज़ हट जाओ, मेरे पास स्पीड है, मैं स्पीड से मार सकता हूँ लोगों को, बट टेक्निक नहीं है मेरे पास। और 94% 95% 96 क्या 100 पे हम जीत पाएंगे, और थर्ड तो आने के चांसेस हैं और
थर्ड आ जाएंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो थर्ड तो आ गए हैं। पिछली बार हम फर्स्ट आ रहे थे, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। और हम लोग ज़्यादा नाच नहीं रहे, बस हम खुश हैं। और हमारा एक और लेवल बढ़ गया, तो हमें मिलेगा फिर से एक और व्हील ऑफ स्पिन। क्या करूं मैं इस ट्रैक सूट का, पर्पल एंड ग्रीन स्पोर्ट्स कोट। आज किस्मत सही नहीं रही हमारी, बिल्कुल भी नहीं। तो एक और रेस कर दी है हमने कंप्लीट, और अरे यार कैमरा एंगल चेंज करना होता है हमें। ये हम कुछ पिंक सर्कल के अंदर आ गए हैं, बट क्या करें इसका, सर्कल का बेसिकली हमें यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कार ढूंढनी होगी शायद, मे बी। बट हमें करना क्या है कोई बताता नहीं है कि हमें इस सर्कल का करना क्या। मेरे ख्याल से इस यहाँ पर ना कोई गाड़ी छुपी होगी पक्का, जो हम बाद में अच्छी होगी गाड़ी, जिसको हम रेनोवेट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो बट आज हमारी किस्मत इतनी ख़राब रही है कि वो हमें शायद मिलेगी नहीं। तो इस एपिसोड को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो इस होराइज़न के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी है, नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं होराइज़न के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पे जाओ, वीडियोस देखो, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो आपका मन है वो करो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।